अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं वो है डाइफोन्स। आपको याद होगा वेरी अर्ली जहाँ हमने डिफ्थोंग किए थे तो उसके साथ एक ज्वाइनिंग टॉपिक था ट्राइफोन्स। ट्राइफोन्स में बताया गया था कि एक डिफ्थोंग फॉलो कर रहा होता है एक दूसरे वाउल को। अब उसकी उसको रिविजन इसलिए इस तरह किया गया था कि जैसे वर्ड था वाई आ वाई आ, यहाँ पे ये जो डिफ्थोंग है ये डिफ्थोंग और इस वावल को जो फॉलो कर रहा है डिफ्थोंग, इसकी रिप्रेजेंट इस वावल की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या करना था, इसी डिफ्थोंग साइन के साथ एक एडिशनल टिक लगानी थी जो रिप्रेजेंट करती थी कि इसी डिफ्थोंग के साथ एक दूसरा वावल भी आ रहा है। लाइकली हम जब बात करते हैं डाइफोन्स की तो यहाँ पे हमें बताया गया है, हम पढ़ेंगे सीखेंगे कि एक वावल फॉलो कर रहा होता है एक दूसरे वावल को। अभी हमें दो साइन उसने दिए, एक ये साइन है और एक ये साइन है। इसके बारे में कहता है कि एक डॉट वावल फॉलो कर रहा होता है एनी अदर वावल। ठीक है, यहाँ पे जो हमें बताया गया वावल उसके बारे में हमें कोई नहीं पता कि वो कौन सा वावल होगा, लेकिन जो पहला वावल है वो डॉट वावल ही होगा। ठीक है, यहाँ तक। और इसके लिए हम साइन ये यूज करेंगे, कहाँ पे साइन करेंगे, जिस प्लेस का ये डॉट वावल होगा उसी प्लेस पे हम ये साइन बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा डाइफोन्स को। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी वर्डिंग, एक डॉट वावल एक दूसरे वावल को फॉलो कर रहा होता है और हम जिस प्लेस का पहला डॉट वावल है उसी प्लेस पे ये साइन एक एंगुलर साइन बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे दो वावल इकट्ठे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है पे एबल। ठीक है जी, अब ये वर्ड है पे का ए और एबल का ए, एक इकट्ठे मिलके आ गए, दरमियान में यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। So, हम क्या करेंगे, स्ट्रोक जैसे है वैसे ही बनाएंगे पे एबल की और यहाँ पे ये साइन बना देंगे जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसी लॉन्ग ए के साथ एक डॉट वावल है, इस डॉट वावल के साथ दूसरा वावल है जो फॉलो कर रहा है पहले वावल को। ठीक है जी, ये तो थी आपका पहला साइन। ये जो दूसरा साइन है ये इसके बारे में हमें बताया गया है कि एक डैश वावल फॉलो कर रहा होता है एनी अदर वावल। अभी भी हम ब्लाइंड हैं इसके बारे में कि यहाँ पे कौन सा वावल होगा, हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे डैश पहला जो वावल होगा वो डैश वावल होगा और वो दूसरे वावल को फॉलो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड है कोऑपरेशन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये को लॉन्ग को वावल है डैश वावल लॉन्ग ओ और ये दूसरे वावल को फॉलो कर रहा है जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया था, अभी पता चला कि ये भी ओ ही है अगर से शॉर्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग ओ के लिए हम सेकंड प्लेस में वावल यूज करते हैं यानी कि सेंटर ऑफ द कंसोनेंट, तो हम यहाँ पे एक एंगुलर साइन बनाएंगे जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक डैश वावल दूसरे वावल को फॉलो कर रही है। ये तो थे आपके ट्राइफोन्स। नेक्स्ट अगर इसके बाद टॉपिक अगला टॉपिक ज्वाइनिंग टॉपिक इसके साथ ही इसी बेसिकली चैप्टर में आ रहा है वो है मीडियल डब्ल्यू। हमें बताया गया है कि अगर मिडल में डब्ल्यू आ जाता है जैसे वर्ड है 12 तो हम क्या करते हैं, इसको हजफ कर देते हैं, ओमिट करते हैं। अच्छा, हजफ करके हम फिर क्या करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए उसी को जो स्ट्रोक बनाएंगे उसके इसके जो करीब वावल होगा उस वावल की जगह पे हम एक सेमी सर्कल लगाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है। अब बाकी स्ट्रोक बची है टी एल और वी, इसके साथ साथ वावल था ये शॉर्टी और शॉर्टी टी के बाद चूंकि बनता है तो हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल हाफ सर्कल बना देंगे जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे वावल की जगह वावल के साथ W भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, ये तो था आपका मीडियल W। नेक्स्ट है अब SH अपवर्ड।
अपवर्ड SH, ठीक है जी। जहां पे SH को डाउनवर्ड बनाना मुश्किल हो, ऑकवर्ड हो, ना बन सकती हो, इजीली ना बन सकती हो, तो हम क्या करते हैं, हम SH को अपवर्ड भी बना सकते हैं। जैसे वर्ड है फिश, या बना देते हैं, ठीक है। जैसे वर्ड है शोल्डर, 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 ठीक है जी। तो ये इस तरह कई सारे और वर्ड भी, जैसे शेव है, शेव, ठीक है जी। तो ये आपका अपवर्ड SH है। नेक्स्ट है, इसके बाद जो टॉपिक है वो है अपवर्ड आर। हमने वैसे तो ये पढ़ा था अपवर्ड आर, कि आर जब किसी वर्ड के मिड एंड पे आता है तो आर की जो कॉन्सोनेंट यूज करते हैं वो डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट यूज करते हैं। बट कई सारे वर्डों में ऐसी सिचुएशन बनती है कि जैसे वर्ड है प्रीपेयर, कि हम ये लाइनें इस तरह आपके कॉपी पे लगी होती हैं रजिस्टर पे, तो अगर हम इसको, वैसे तो ये एंड पे आ रहा है, इसको डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू रूल ये डाउनवर्ड बनना चाहिए, बट चूंकि ये स्ट्रोक पहले ही ऑलरेडी इतनी लंबी हो जाती है कि अगर इसको डाउनवर्ड करें तो ये दूसरी लाइन को टच करता है, या दूसरी लाइन से को क्रॉस करता है, या बिटवीन कहता है कि ये लाइन ऑफ राइटिंग से काफी दूर निकल जाता है। तो इससे अवॉइड करने के लिए हम पे क्या करेंगे, हम इसको अपवर्ड आर यूज करेंगे, जो एंड पे आता है आपकी लाइन ऑफ राइटिंग के करीब भी रहने के लिए। ये अपवर्ड आर का एक छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमने वावल इंडिकेशन पढ़ा था, आपको याद होगा कि ऐसे वर्ड जो ऐसे स्टार्ट होते हैं लेकिन उससे पहले को वावल आ जाता है, तो हम इसकी पूरी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पे पिटमैन कहता है कि ऐसे वर्ड जिसमें एस स्टार्ट पे और उसके बाद कोई डिफ्थोंग आ जाए, उसके बाद कोई डिफ्थोंग आ जाता है, तो हम एस की पूरी सबकॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे वर्ड है साइंस, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ट्राइफ्यूम्स आ गए हैं, ठीक है, और इसके लिए हम एस की पूरी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने जब वाउल इंडिकेशन किया था उसमें पढ़ा था, सीखा था कि ऐसे वर्ड जिसमें एस कॉन्सेप्ट पहले एस ही हो, उससे पहले वाउल आ जाए, तो एस की पूरी कॉन्सेप्ट यूज करते थे। जैसे आस्क था, जैसे एस्केप था, जैसे इस तरह और कैसे एज्यूम था, तो हम क्या करते थे, हम एस की पूरी कॉन्सोनेंट यूज करते थे। एस से पहले वाउल, एस के बाद कोई डिफ्थोंग आ जाता है तो भी हम एस की पूरी कॉन्सोनेंट यूज करते थे। वाउल इंडिकेशन में दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था एस और जी एंड पे आए और उनके बाद को अगर वाउल आ जाता, जैसे बिजी था, पॉलिसी था, या इस तरह के वर्ड थे, तो उसमें भी हम क्या करते थे, जी और एस की पूरी कॉन्सोनेंट यूज करते थे, सर्कल नहीं यूज करते थे। इस तरह यहाँ पे भी अगर एस और जी एंड पे है और उससे पहले कोई डिफ्थोंग आ जाता है, जैसे वर्ड है कॉन्टी, कॉन्टी NUE, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टी, कॉन्टी और न्यू, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सॉरी, हम यू का डिफ्थोंग लगा देंगे, ठीक है जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एस स्टार्ट में उसके बाद कोई डिफ्थोंग आ जाए तो भी एस पूरा, एस और जी एंड पे है और उसके उससे पहले कोई डिफ्थोंग अगर आ जाता है तो भी एस और जी की पूरी कॉन्सोनेंट यूज करते हैं। ये आज आपका आखिरी लास्ट एक छोटा सा टॉपिक था, कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़। सही होगी सी।